8 बजे के बीच में अयोध्या पुलिस की सूचना मिली थी, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था और उस पर तुरंत मौके पर पुलिस सभी अधिकारी लोग मौके पर पहुंचे पर पता चला है ये बस लखनऊ से आजमगढ़ तरफ जाना था, वह बस अकबरपुर जाना था, वो लखनऊ से गोरखपुर हाईवे पर एक कटता वहाँ पे कटते मोड़ने के लिए प्रयास किया था अकबरपुर जाने के लिए। वो मोड़ते समय पीछे से लखनऊ से और एक ट्रक ये पूरा माल भरा हुआ ट्रक पीछे पीछे आ रहा था, ये दोनों वहाँ से आते मोड़ते से दोनों टकरा होकर वो स्थित हो गए थे ट्रक से और उसके बीच में दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद सामने से इधर से गोरखपुर से लखनऊ की तरफ एक गाड़ी आई थी वो भी सामने खड़ी थी, उसके भी हल्का से टकरा, दोनों के बीच में ट्रक दोनों ट्रक के बीच में बस फंस गया था और उसके बाद पुलिस मौके पर आई कि सबको बचा दिया था। अभी तक जो हम लोग का सूचना मिली है एक कैजुअल्टी कन्फर्म हुआ जिला अस्पताल में, बाकी सभी लोगों का इलाज हो रही है। लगभग 10-12 लोग जनपद जिला अस्पताल अयोध्या में इलाज हो रही है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सबका DMO के माध्यम से ट्रीटमेंट हो रही है, बाकी चीज़ हम लोग वेरीफाई करें। अभी ट्रैफिक अभी जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है, बाकी बस का हम निकाल दिया और बस से कोई भी सवारी नहीं है और बस को रोड से किनारा कर दिया, अभी ट्रक फंसा उसके भी हम निकाल रहे हैं, अभी जल्दी से जल्दी ट्रैफिक सॉल्व हो जाए।